अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रघुवीर बेटा, ये सिंगापुर की ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती। घर में इतना बड़ा हादसा हुए, कुछ ही घंटे हुए और तू भी जा रहा है। माँ, माँ मन तो मेरा भी नहीं है, पर जाना पड़ेगा। और इस बार जानकी भी मेरे साथ आने वाली थी, बोल रही थी कि इस बार बिजनेस ट्रिप पे मैं साथ चलूंगी, इसी बहाने घूम भी लूंगी। अब भैया आप चाहे तो मैं और उर्मिला कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आते। नहीं राकेश, मैं चलता हूँ। कमिटमेंट किए, क्लाइंट्स भी आने वाले बाहर से। जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? जैकेट में तो रखा था। तेरा पासपोर्ट तो मेरे पास है रघु सर। आज से तेरी हर चीज मेरे दिल के पास है, मेरे होने वाले पति देव। वो क्या है ना, मैं अगला दाव जो चलने वाली हूँ उसके लिए तेरा घर में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए तेरा पासपोर्ट मैं चुराई। भैया फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पासपोर्ट नहीं होगा तो कैसे जाओगे आप? रघुवीर, राकेश और उर्मिला को जाने दे। इस तरह से अचानक से पासपोर्ट का गायब हो जाना अच्छा संकेत नहीं लग रहा मुझे। और शायद भोलेनाथ भी यही चाहते कि इस वक्त तो यही रहे। माला। ठीक है राकेश, तुम दोनों चले जाओ, तो मैं अगली फ्लाइट से आता हूं। ये जानकी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्लीज कोई गलती मत करना। भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। संभाल कर चल। जा जा चंदू, जाके छुट्टियां मना और मैं इस घर की छुट्टी करूं। वो क्या है ना, जब एक हफ्ते बाद तू आएगा ना वापस, तब सब कुछ बदल गया होगा। रायचंद परिवार के इतिहास का नया पन्ना लिखा जा चुका होगा। बंटी भैया, उस चिपकली का खम्भा तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। ए बेटा नीचे उतर जा, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अब कोई आराम नहीं होगा, उस चिपकली का काम तमाम होगा। अरे ओ मेरी छोटी सिंगम, तू शांत हो जा बेटा, जोश में होश नहीं खोते। देख तूने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ना, अब ये सोच के तू उस चिपकली का सच सामने लाएगी कैसे? वही तो तुलसी, रघु सेठ को दिखाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ? उस चमेली के खिलाफ। माँ कहती है बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर सच्चाई से तो उसे हारना ही होता है, और हम भी उस चिपकली को हरा के ही रहेंगे। पासपोर्ट कहाँ रख दिया? तुलसी आओ बेटा। डरो मत सेठ, पिछली बार तो मैं चॉकलेट वाला दूध लेकर आई थी, इसलिए मुझे कॉफी बनाने नहीं आती है, पर इस बार तर्जी दीदी से मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनवाई है, वो भी कम मलाई वाले दूध की। थैंक यू। वेलकम। इसकी बहुत जरूरत थी। देखो ना, मैं कब से अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा हूं, मुझे मिले नहीं ना। और जानकी होती ना तो जानकी
यू दो मिनट में ढूंढती थी। वैसे ये कॉफी किस लिए? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या रे चमेली, क्या किया रे तूने? ऐसा कौन करता है? तेरे को मालूम था ना कि तुलसी तेरे बारे में जानती है, तेरा सच जानती है वो, तो मेरे को बताया क्यों नहीं? चल पता चल गया ठीक है, मगर आगे से जाके उसको चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? अरे बैल बुद्धि है क्या रे तू? दिमाग में भूसा भरा है तेरे। इधर मैं फूक फूक के कदम रख रही है ताकि किसी को अपने बारे में मालूम ना पड़े, अपनी सच्चाई अपने तक ही रहे, और तू वहां पे जाके आ बैल मुझे मार, ऐसा करती है रे तू? टेंशन क्यों लेते आई तू? अगर वो बोलेगी भी ना तो कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। सेठ, मैं आपको कुछ कहने आई थी। बताओ ना। सेठ, कभी कभी सबूत के बिना भी बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। मैं आज ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, पर फिर भी आप मुझ पे भरोसा करोगे ना? बोलो ना बेटा, क्या बात है? सेठ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वो वृंदा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? ये तो वृंदा की रोने की आवाज है। वृंदा, वृंदा, मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी मम्मा? वृंदा, कुछ बोलो ना मम्मा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारी वृंदा का क्या होगा? प्रॉमिस करो अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कुछ बोलो मम्मा। अब ये क्या नाटंकी कर रही है छिपकली? मम्मी जी, वो वृंदा रोने लगी, बहुत शोर हुआ ना यहाँ। रोते नहीं है मम्मा, ओ मेरा बेबी। वृंदा बेटा, ये क्या हो गया आपको? ये मम्मा नहीं है। नहीं, मम्मा वापस आ गए पापा। देखो मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। चलो ना मम्मा, मुझे कहानी सुनाओ ना, मैं तुम्हारी गोद में सर रख के कहानी सुनूंगी। वृंदा बेटा, ये टेडी बेयर है, मम्मा नहीं है। नहीं मम्मा वापस लौट कर आ गई है। पापा देखो, मम्मा की आईज, ये मम्मा की नोज, ये प्यारे प्यारे हाथ, इन्हीं हाथों से तो मम्मा मुझे खाना खिलाती है। माँ, ये क्या हो गया वृंदा को? अगर अपने को इस घर में ऐसा हंसी खुशी हमेशा हमेशा के लिए रहना है ना, तो उसको अपने प्लान से दूर रखना पड़ेगा, समझी? कौन सा प्लान? तेरी असली माँ से तेरी सौतेली माँ बनने का प्लान। मतलब? तेरा वो नकली पापा है ना रघु, शादी रचाएगी मैं उसके साथ, उसकी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। नकली पापा शादी करोगे आप? पर कैसे? सब बताती है तेरे को, ध्यान से मेरा प्लान सुनने का। वाह चमेली, क्या मस्त एक्टिंग की है रे तूने। पहली सीढ़ी तो पार कर ली मैंने, और अब यही प्लान मेरे को रघु सेठ की बीवी और इस घर की मालकिन बनाएगा। तू चाहे जितना भी नाटक कर ले चिपकली, तेरा सच तो मैं रघु सेठ को बता कर ही रहूंगी। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।